क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में ऋतिक रोशन नेगेटिव रोल प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज के बारे में, जो 2024 से 2026 तक रिलीज कर दी जाएंगे। अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हैं तो वीडियो में तो जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है फाइटर, एक एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने वॉर और पठान जैसी फिल्म दे चुके हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर लीड रोल्स में रहेंगे। वहीं अक्षय ओबेरॉय, करण सिंह ग्रोवर, संजय दत्त शेख और तलत अजीत सपोर्टिंग रोल्स में रहने वाले हैं। और ये फिल्म 25 जनवरी 2024 को रिपब्लिक डे के खास मौके पर थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाए। ये इंडियन सिनेमा की फर्स्ट एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में ऋतिक रोशन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया अक्का पेटे का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण ऋतिक रोशन के साथ रोमांस करते नजर आएंगे, और डीपी के कैरेक्टर का नाम है स्क्वाड्रन लीडर मिनल राठौर और उन्हें प्यार से मिनी बुलाते हैं। अनिल कपूर ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह अक्का रोकी का रोल प्ले करते नजर आएंगे। अनिल सिंह ग्रोवर एज स्क्वाड्रन लीडर सरताज गिल अक्का ताज का रोल प्ले करते नजर आएंगे, और अक्षय ओबेरॉय एज स्क्वाड्रन लीडर बासिर खान अक्का बैस का रोल प्ले करते नजर आएंगे। इस फिल्म का म्यूजिक स्कोर किया है संजीत और अंकित वलहरा ने, और सॉन्ग्स कंपोज किए हैं विशाल शेखर ने। इस फिल्म को 250 करोड़ के बजट में मार्फ्लिक्स और वायकॉम 18 स्टूडियोज के बनते ने बनाया गया है। कबीर इज गॉन रॉग मैम। सेकेंड नंबर पर है वॉर 2, और 2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल होने वाला है, जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लीड रोल्स में आए थे। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 475.62 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म के सीक्वल में ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जूनियर एनटीआर और सौरभ अग्रवाल लीड रोल्स में नजर आएंगे। फिल्म में जूनियर एनटीआर नेगेटिव रोल नजर आने वाले हैं और इनके ऑपोजिट सौरभ अग्रवाल नजर आएंगे। फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर से रो एजेंट मेजर कबीर धरीवाल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, और इस फिल्म में ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर का जबरदस्त फेस ऑफ होने वाला है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आयान मुखर्जी, जिन्होंने वेकअप सीट, ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। और इस फिल्म को डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्टर आयान मुखर्जी 32 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं, और ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को थिएटर्स में रिलीज कर दिया जाएगा। इस फिल्म को यशराज फिल्म से बनते बनाया जाएगा, और ये फिल्म वायरफ के फाइन आर्ट्स पे सेट है। फिल्म में हमें टाइगर 3 के बाद हुए इवेंट्स को दिखाया जाएगा। अगर आपने टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा है तो आपको बता दें कि कर्नल लूथरा इस पोस्ट क्रेडिट सीन में ऋतिक रोशन से कहते हैं कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ कबीर, वो किसी ऑफिसर को अपने सोल्जर से मांगने का हक नहीं है, और ना ही कोई बाप अपने बेटे से मांग सकता है, पर ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। इंडिया का एक नया दुश्मन है, और ये बहुत ही वहशी और खतरनाक है कि हम कुछ सोच भी नहीं सकते, और ना ही इसका कोई नाम है और ना ही कोई चेहरा, और वो अंधेरे में ही रहता है, और उसे रोकने के लिए तुम्हें उसी अंधेरे में जाना पड़ेगा। सही और गलत के हर लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा, अच्छाई और बुराई का हर फर्क भुलाना पड़ेगा, और तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जिसे करने के बाद तुम खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाओगे, और जिंदा रहे तो मौत से भी खतरनाक अंत से बचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद शैतान बन जाओ। जी हाँ दोस्तों, वो तो मेरे ऋतिक रोशन का कैरेक्टर डार्क और इंटेंस होने वाला है, और वो नेगेटिव रोल में तो है लेकिन एंटी हीरो के रोल में। कैसा अटैक जो हिंदुस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। थर्ड नंबर पर है जिम प्रीक्वल, यानी कि जिम के कैरेक्टर ऊपर फिल्म, और ये 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान का स्पिन ऑफ होने वाला है, जिसमें एसआरके, दीपिका और जॉन अब्राहम लीड रोल में थे। इस फिल्म में जॉन अब्राहम एक बार फिर से जिम का रोल प्ले करते नजर आएंगे। वहीं हमें पठान में ये भी पता चल गया था कि कबीर और जिम दोनों ही बहुत जिगरी दोस्त थे, और इस फिल्म में ऋतिक रोशन मोस्ट प्रोबेबली एक बार फिर से कबीर के रोल में एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आ सकते हैं। और इस फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी, जिसे 2025 में रिलीज कर दिया जाएगा। बुराई में ताकत जितनी भी हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। फोर्थ नंबर पर है क्रिस 4, एक बिग बजट साईफाई सुपर हीरो फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं करण मल्होत्रा, जिन्होंने अग्निपथ, ब्रदर्स और शमशेरा जैसी फिल्म दे चुके हैं। फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर से सुपर हीरो कृष्णा एज क्रिस का रोल प्ले करते नजर आएंगे, और प्रियंका चोपड़ा एज प्रिया का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस बार ऋतिक रोशन टाइम ट्रेवल करने वाले हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हमें वापस भी नजर आ सकते हैं, जैसे कि जादू की वापसी होने वाली है। इस फ्रेंचाइज के 3 पार्ट्स को राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया है, और 4th पार्ट को करण मल्होत्रा डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम स्टार्ट हो चुका है। इस फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट होगी, जिसे 2025 के एंड में नहीं तो 2026 में रिलीज कर दिया जाएगा। वैसे इस फिल्म में आप नेगेटिव रोल में किस एक्टर को देखना चाहते हो, ऋतिक रोशन को ही या फिर अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विजय सेतुपति, कौन से एक्टर को, आप बताओ। इस फिल्म को फिल्म क्राफ्ट के बनने तले बनाया जाएगा, और इस फिल्म का म्यूजिक स्कोर करेंगे राजेश रोशन। इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट को मिल गया 2003 में,
सेकेंड पार्ट ग्रीस 2006 में और थर्ड पार्ट ग्रीस 3 2013 में रिलीज हो चुका है। इस फ्रेंचाइज को 170 करोड़ के बजट में बनाया गया है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 628.66 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं फोर्थ इंस्टॉलमेंट का बजट यानी कि ग्रीस 4 का बजट 200 करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। फिफ्थ नंबर पर है फाइटर 2। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कंफर्म कर दिया है कि फाइटर फिल्म का सीक्वल भी बनाया जाएगा। मेकर्स इसे फ्रेंचाइज के तौर पर आगे ले जाने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद फाइटर के बाद टाइगर वर्सेस पठान बनाने वाले हैं और इस फिल्म के रिलीज के बाद वो फाइटर 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तब तक ऋतिक रोशन भी अपने बाकी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइस, ये थी ग्रेट गॉड ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज की कंप्लीट लिस्ट। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन से फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।